हेलो, आज हम बनाएंगे चिली चीज़ टोस्ट, जिसके लिए हम व्हाइट ब्रेड ले रहे हैं 4। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड पे बटर लगाएंगे। मैंने दोनों साइड से अच्छे से बटर लगा लिया है। मैंने इन पे बटर लगा दिया है। आप चाहे तो घी भी लगा सकती हैं अच्छे से। अब मैं इन पर चीज लगा दूंगी। मैंने इन पे चीज अच्छे से लगा दिया है। अब मैं कैप्सिकम, ग्रीन, ये मैंने ग्रीन कैप्सिकम, शिमला मिर्च मैंने डाल दिया है ऊपर से, थोड़ा सा हरा धनिया, कटा हुआ बारीक लहसुन, हरी मिर्च कटी हुई, कटा हुआ बारीक प्याज, आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं। मैं दोबारा से फिर से चीज की स्लाइस ऊपर से रख दूंगी। हल्का सा चीज दोबारा से स्प्रिंकल करेंगे। नमक डालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि चीज में सॉल्टी होता है। चीज भी और बटर भी मैंने यूज किया है, वो भी सॉल्टी होता है। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हो। अब हम इसको गैस पर पकाएंगे। आप चाहे तो टोस्टर में भी पका सकते हो। मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। आप चाहे तो तवे पर भी इसको बना सकते हो। पैन को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ये रख देंगे। जब तक हमारा चीज मेल्ट नहीं हो जाता, हम इसको ढककर रखेंगे। ऐसे ही हम अपने दूसरे टोस्ट भी तैयार करेंगे। ये मैंने एक टोस्ट और यहाँ पर तैयार कर लिया है। इसको मैं पैन में, उसके बाद लहसुन, प्याज, आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, जो चाहे आप, विंटर्स की जितनी भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो। और आप बच्चे बड़े ही मज़े लेकर इसको खाते हैं। अभी इसको भी मैं पैन में रखूंगी। इसको मैंने टोस्टर में पकाया था। अब देखते हैं ये भी पक गया होगा। मैंने ये टोस्टर से निकाल लिया है। ये देखिए, दोनों तरफ से बिल्कुल बहुत ही अच्छा पक गया ये। ये देखिए हमारा टोस्ट, हम इसको ऐसे कट कर देंगे। ये टोस्ट मैंने काट दिए हैं। ये देखिए, आप इनको सॉस के साथ खा सकते हो। ये मैंने टोस्टर में बनाए हैं। गैस बंद कर देंगे। देखिए चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया है। अब हम इसको मिक्सी, ये टोस्ट मैंने पैन में तैयार किए हैं और ये मैंने टोस्टर में तैयार किए हैं। आप जैसे, अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप पैन में या तवे पर भी बना सकते हो। पैन में भी और तवे पर भी उतने ही टेस्टी बनते हैं जितने टोस्टर में बनते हैं। बच्चे इसको बड़ी मज़ा लेके खाते हैं। और आप इसको सॉस के साथ खा सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो, और जो चाहे वेजिटेबल आप इस पर यूज़ कर सकते हो।